वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। क्रैक यूपीएससी सी एस सी जी एस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी लाइव हूँ दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे है। मोस्ट वेलकम आप सभी का दोस्तों। आप देखें अनलॉक 20 दोस्तों, अनलॉक 20 जहाँ पे आप देखें यहाँ पे 45% आप सभी को मिल रहा है प्लस कॉम्बो पे दोस्तों। वहीं आप देखें आपको प्लस जीएस पे आप सभी को मिल रहा है एक्स्ट्रा 2500। मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप सभी का कोड है मयंक 1, MAYANK1 दोस्तों, मयंक 1। 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को, जहां आप देखें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टाइप्स दोस्तों अगर कहें तो प्लस कॉम्बो पे आप सभी को मिल रहा है 12 महीने की फीस है 45,757 दोस्तों। 18 महीने की फीस है 53,223 एंड 24 महीने की फीस आप सभी के लिए है दोस्तों 65,395। वहीं दोस्तों अगर आइकॉनिक पे देखा जाए तो आप सभी की फीस है 63,195, 18 महीने की फीस दोस्तों 68,192 और 24 मंथ की फीस दोस्तों देखा जाए तो आपकी फीस है 96,147 दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखें यहाँ पे तो क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ अनअकैडमी दोस्तों, आप देखिए आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर रखा गया है जहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ 23 फरवरी तक दोस्तों। देखें यहाँ पे सीसेट और जीएस प्लस सीसेट मॉक टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ बनाया गया है, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों। आप देखेंगे कि जब तक टेस्ट सीरीज आप नहीं सॉल्व करते हैं, जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं लगाते हैं, तब तक आप सभी प्रीलिम्स में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते दोस्तों। तो जल्दी ही बिना कुछ सोचे आप सभी इसमें करिए अपने आप को इनरोल। मेरा कोड है दोस्तों मयंक 1। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट दोस्तों आप सभी के पास होने वाला है। योर एक्शंस प्लान टू क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022। आप देखें यहाँ पे 27 फरवरी को है ये 11 बजे, और इसके लिए मेरा जो कोड है वो है मयंक 1 दोस्तों। मेरा कोड है मयंक 1। मोस्ट वेलकम आप सभी का। यहाँ देखिए दोस्तों आप सभी 1,000 लकी पार्टिसिपेंट को 5,000 अमेजन वाउचर के गिफ्ट भी मिल सकते हैं आप सभी को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइव में मेंटरशिप है दोस्तों आप सभी के लिए। मेंस क्वेश्चन आंसर है, स्टडी प्लान है दोस्तों, ओपन हाउस विद एजुकेटर है आप सभी के लिए। लर्निंग ऑफर है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर है, मिनिमम पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखें यहाँ पे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आप एक बहुत ही शानदार एजुकेटर प्राप्त कर सकते हैं, जो जो आपको पर्सनली हर एक क्षेत्र में गाइड करेगा। जैसे जैसे जो भी समस्या आपको आती रहेंगी वहाँ वो आपको पुशअप करते हुए गाइड करता रहेगा दोस्तों। मोस्ट वेलकम। आप देखें यहाँ 36 महीने की जो फीस है प्लस की वो है 83,241 दोस्तों। 24 महीने की फीस अगर देखा जाए तो 67,041 है। 12 महीने की फीस 46,791 दोस्तों। वहीं 36 महीने की फीस अगर आप देखें तो 1,38,041 दोस्तों। वहीं 36 महीने की फीस अगर 24 महीने की फीस तो 1,04,211 और 12 महीने की फीस है दोस्तों 67,041। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ देखें 36 महीने की फीस 45,000, 24 महीने की फीस 37,000 दोस्तों, 12 महीने की फीस 24,750 रुपये। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं दोस्तों। आप देखिए भारत ने ग्रीन फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। आप देखें क्या है ये न्यूज दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। देखिए 14 फरवरी 2022 को भारत ने 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे दोस्तों। इन ऐप्स को बैन क्यों किया गया आप देखें तो ये 54 ऐप को प्रतिबंध कर दिया गया क्योंकि वे महत्वपूर्ण अनुमति प्राप्त करते थे और यूजर्स के संवेदनशील डेटा एकत्र कर लेते थे दोस्तों। और देखिए एक रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता जा रहा था और शत्रुतापूर्ण देशों में स्थित सर्वरों को प्रेषित किया जा रहा था दोस्तों, इसलिए इन पूरे ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया, इन पूरे ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया दोस्तों। तो ये आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन रहा है।
किन एप्स को बैन किया गया है दोस्तों? आप देखें, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा दोस्तों, स्वीट सेल्फी, एसडी, विवा वीडियो एडिटर, ग्रीना फायर, फायर फ्री फायर, तो इस तरीके देखें, स्पेस लाइट, एप लॉक, तो ये जितने भी इस तरीके के ऐप थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया दोस्तों। ग्रीन फायर फ्री क्या है दोस्तों? आप देखें, यह सिंगापुर की कंपनी है। यह गेम भारत में 2021 में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले गेमों में से एक था। इसने सितंबर 2020 में प्रतिबंधित होने के बाद पबजी मोबाइल द्वारा बनाई गई जगह को भर दिया था। आप देखिए, यहाँ पे जून 2021 को भारत ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, हेलो जैसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल थे, क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। मई 2020 में चीन के साथ सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से भारत के 321 ऐप को ब्लॉक कर दिया गया। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने जून 2020 में अपने पहले दौर के प्रतिबंध की घोषणा की थी। इस प्रतिबंध का संवैधानिक आधार क्या रहा दोस्तों? तो देखिए, इन ऐप को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत, अब देखिए ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 69 के तहत इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। इसके तहत इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है दोस्तों। हिप्पोक्रेटिक शपथ, हिप्पोक्रेटिक ओथ, ये क्या है दोस्तों बताइए आप सभी? हिप्पोक्रेटिक ओथ, दोस्तों देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दीक्षांत समारोह के दौरान हिप्पोक्रेटिक शपथ को चरक शपथ से रिप्लेस के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के सुझाव का विरोध किया दोस्तों। आईएमए के अनुसार चरक शपथ आधुनिक चिकित्सा के दृष्टि से नहीं बनाई गई थी। आईएमए का विचार है कि शपथ को एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, शपथ को एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए दोस्तों। वैश्विक समुदाय से बहिष्कार दोस्तों क्या है? आईएमए का विचार है कि प्रस्तावित शपथ से आधुनिक चिकित्सा को वैश्विक समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। यह सेक्टर को पीछे की ओर खींचेगा। हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटिक शपथ नए मेडिकल स्नातकों के लिए एक नैतिक संहिता है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने लिखा था दोस्तों। इस शपथ को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संशोधित किया गया था और इसे 1948 में जिनेवा की घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया दोस्तों, वर्ष 1948 में। अब देखिए, यहां पे जिनेवा की घोषणा के रूप में इसे प्रचारित किया गया। यह चिकित्सकों के पेशेवर कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करती है और वैश्विक चिकित्सा पेशे के नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि करती है दोस्तों। अब देखिए, यहां पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भारत में चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है। यह
डॉक्टरों के हित या समुदाय की भलाई को देखता है। इसे 1928 में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया। 1930 में इसका नाम बदल कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर दिया गया दोस्तों, आईएमए कर दिया गया। यह भारत के समाज अधिनियम के तहत एक सोसाइटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है मैसेज दोस्तों, यह भारत के समाज अधिनियम के तहत एक सोसाइटी है। इसे चिकित्सा संघ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन दोस्तों, WMA मुक्त पेशेवर चिकित्सा संघों का एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है। यह दुनिया भर के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह औपचारिक रूप से 18 सितंबर 1947 को स्थापित हुआ दोस्तों। कब स्थापित हुआ? विश्व चिकित्सा संघ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन दोस्तों 18 सितंबर 1947 को स्थापित हुआ। भारत ने किरीबाती को कोविड सहायता भेजी है दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार उन छोटे छोटे देशों की मदद कर रहा है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम पहचान मिलती है दोस्तों। आप देखें यहां पे 13 फरवरी 2022 को भारत ने किरबाती को चिकित्सा आपूर्ति की। इससे पहले किरबाती ने कोविड-19 के पहले प्रकोप से निपटने के लिए मदद मांगी, पहले ही प्रकोप से निपटने के लिए मदद मांगी दोस्तों। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस खेप में आपातकालीन कोविड-19 दवा प्लस ऑक्सीमीटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट शामिल है। किरीबाती को चिकित्सा आपूर्ति प्रशांत क्षेत्र में शीघ्र प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता करने के लिए दोस्तों भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई दोस्तों। किरीबाती द्वीप तक पहुंचने में लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद कम समय में भारत से चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई दोस्तों। कम समय में भारत से चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई। अब देखें, कम समय में भारत से चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई दोस्तों। भारतीय किरीबाती संबंध दोस्तों देखा जाए तो भारत और किरबाती ने 1885 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। सुवा फिजी में भारतीय उच्चायोग किरबाती से मान्यता प्राप्त है दोस्तों। किरबाती का नई दिल्ली में एक मानदवाद वाणिज्यिक दूतावास भी है। किरबाती ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर G4 प्रस्ताव को सह प्रायोजक करने वाले 34 देशों में भी एक था ये। भारत और किरबाती के बीच द्विपक्षीय व्यापार का अगर स्तर देखा जाए तो दोस्तों दोनों देशों के बीच 1996 टू 7 1997 में 2,60,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कि ये व्यापार 2014-15 में 1.0 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था। वहीं 2015-16 में व्यापार थोड़ा सा कम होकर के 9,40,000 अमेरिकी डॉलर हो गया, क्योंकि भारत ने तब किरबाती से कोई आयात नहीं किया। वहीं 2015-14-15 में भारत ने किरबाती को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया, जबकि किरबाती से आयात 10,000 अमेरिकी डॉलर से के प्लास्टिक का था दोस्तों।
अब देखिए, भारत का किरबाती को निर्यात की जाने वाली मूल्य वस्तुओं में चीनी और कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक और गैर रेलवे वाहन के पुर्जे शामिल हैं दोस्तों। गैर रेलवे वाहन के पुर्जे शामिल हैं। अब देखिए किरबाती दोस्तों, किरबाती मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है दोस्तों। इसमें 32 एलोट और बनबा नामक एक उठा हुआ मूंगा द्वीप शामिल है दोस्तों। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय उत्पादक दिवस दोस्तों। देखिए इस दिवस का आयोजन कौन करता है? अब देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना है दोस्तों। उत्पादकता सप्ताह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह माना गया है दोस्तों। इस सप्ताह को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मनाया जाता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसके उद्देश्य क्या है। दोस्तों, उत्पादकता उपकरणों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की अवधारणा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ तकनीकों को बढ़ावा देना है। उत्पादकता प्रतिस्पर्धात्मक गुणवत्ता और दक्षता का प्रचार करना है। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, गुणवत्तापूर्ण आयोजनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। वहीं संगोष्ठियों, अभियानों की व्यवस्था करने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर ज्ञान प्रदान करना है। थीम दोस्तों बताइए, थीम क्या है अब? तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्पादकता जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद क्या है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की क्या बात है, यहां पे आप देखें तो एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, 1958 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। वह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस एनपीसी के गठन का जश्न मनाता है दोस्तों। वहीं यह भारत की उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय संस्थान है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी को 1660 में सॉरी 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत किया गया है। दोस्तों, यह टोक्यो की स्थित एशियाई उत्पादन संगठन का एक घटक है, जो अंतर सरकारी निकाय है दोस्तों। क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है। जो एक अंतर सरकारी निकाय है। भारत एपीयू का संस्थापक सदस्य है। वहीं एनपीसी न केवल एक संसाधन प्रदान करता है, बल्कि उत्पादकता, लाभ प्रति स्पर्धात्मकता की भी बढ़ाता है, लेकिन गुणवत्ता निश्चित सुनिश्चित करता है और सुरक्षा बढ़ाता है दोस्तों। चलिए अब देखिए, यहां पे केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स में कटौती की है। देखिए, दोस्तों केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। यह 13 फरवरी 2022 को प्रभावी हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है दोस्तों। वहीं आप देखें तो टैक्स में कमी, कर में कमी और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के रूप में भी जाना जाता है। यह रिफाइंड पाम तेल आयात शुल्क और सीपीओ के बीच की खाई को चौड़ा करेगा दोस्तों। सीपीओ की खाई के बीच खाई को चौड़ा करेगा। देखिए, यह कर कटौती प्रभावी रूप से भारतीय रिफाइनरी के लिए सीपीओ आयात
करना सस्ता बन रहा है दोस्तों। वहीं एआईडीसी में कमी के बाद सीपीओ और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात का अंतर बढ़कर 8.25% हो जाएगा। इस कमी से भारतीय रिफाइनरी को मदद मिलेगी, लेकिन स्थानीय रिफाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को अंतर को बढ़ाकर के 11% करने की आवश्यकता है। अर्थात सरकार इसको लगातार बढ़ाए, तभी जाकर के यह उत्पाद बेहतर हो पाएगा। टैक्स कटौती से कैसे मदद मिलेगी दोस्तों? भारतीय रिफाइनरी के लिए सोया तेल सूर्यमुखी के तेल की तुलना में टैक्स में कटौती कच्चे पाम तेल को अधिक आकर्षण बना देती है। इस प्रकार यह पाम तेल के आयात को बढ़ावा देगा। टैक्स में कटौती से उपभोक्ताओं को खाद्य तेल की ऊंची कीमतों से जरूरी राहत मिलेगी। खाद्य तेल का आयात दोस्तों, तो भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का 2/3 से अधिक आयात करता है। यह पिछले कुछ महीनों में स्थानीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी को रोकने का संघर्ष कर रहा है। वहीं आप देखें, भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे शीर्ष उत्पादकों से पाम तेल का आयात करता है, और यह ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से सोया और सूर्यमुखी के तेलों का आयात भी करता है दोस्तों, सोया और सूर्यमुखी के तेलों का आयात भी करता है। वहीं देखिए पाम तेल दोस्तों, ताड़ का तेल भारत में सबसे अधिक आयात और इस्तेमाल किए जाने वाला तेल है दोस्तों। यह मुख्य रूप से खाद्य प्रोसेसर जैसे थोक खरीदारों और रेस्तरा में उपयोग के लिए आयात किया जाता है। भारत में परिवार सूर्यमुखी तेल, सोया तेल और रेपसीड तेल भी पसंद करते हैं। खासतौर से देखिए इन तेलों का तो भारत में बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। कृषि अवसंरचना और विकास उपकर दोस्तों, एआईडीसी एक कर है जो सरकार द्वारा कृषि उपज के वाणिज्यिक उत्पादन पर लगाया जाता है। यह दर उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। एआईडीसी के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्रित धन का उपयोग पूरे भारत में कृषि में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप दोस्तों। ये देखिए अभी बहुत चर्चाओं में रहा, ये एग्जैक्टली क्या है इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय के ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक की है। डीपी आईआईटी में और राज्यों ने उन टाउनशिप में जापानी निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध विकसित बुनियादी ढांचा और भूमि प्रस्तुत की। जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जेआईटी के दौरे के लिए आमंत्रित किया है दोस्तों। वहीं आप देखिए डीपी आईआईटी ने कोविड-19 महामारी के आलोक में वर्चुअल प्लेटफॉर्म दोस्तों मिटी के साथ जीट की स्थिति की समीक्षा भी की। अब देखिए भारत और जापान के संबंध तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। जापानी पक्ष से भारत में राजदूत की दूतावास और जापानी विदेशी व्यापार संगठन ने भाग लिया। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय टोक्यो में भारत के दूतावास के अधिकारियों और इन्वेस्टमेंट इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग भी लिया। जीत की स्थापना क्यों की गई दोस्तों? आप देखें जापान औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना भारत जापान निवेश और व्यापार संवर्धन के साथ आप देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक एकीकरण के लिए कार्य एजेंडे के अनुसार की गई दोस्तों, जिस पर अप्रैल 2015 में मिटी जापान और डीपीआईआईटी भारत के बीच हस्ताक्षर भी हुए दोस्तों। ऐसा करने के बाद देखें भारत में जापानी निवेश बढ़ने के उद्देश्य से विशेष रूप से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर,
क्षेत्र में भारत में जापान औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के लिए कदम उठाने के लिए एजेंडे पर हस्ताक्षर भी किया गया। दोस्तों आप देखें जीत में जापानी कंपनी, यहाँ पे देखिए 114 जापानी कंपनीज हैं, निमराना और श्री सिटी औद्योगिक टाउनशिप अधिकांश जापानी कंपनियों की मेजबानी करते हैं। वहीं इसुजू, डाइकिन, यमाहा म्यूजिक, कोबेल्को, हिताची ऑटोमोटिक आदि जैसी कंपनियां इन टाउनशिप में विनिर्माण स्थापित करने के लिए प्रमुख जापानी निवेशक हैं। दोस्तों प्रमुख जापानी निवेशक रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। अफ्रीकी संघ स्थित शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन रहा? इथियोपिया। दोस्तों अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में एयू मुख्यालय आदिस अबीबा अबाबा इथियोपिया में शुरू किया गया। इस शिखर सम्मेलन कई सैन्य तख्तापलट और अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पिछले 18 महीने में 6 तख्तापलट का प्रयास किए गए तख्तापलट और कम टीकाकरण दर रिवे के साथ 2021-22 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। डिजाइन स्टूडियो का विकास। दोस्तों अब देखें इस योजना के तहत एक नई उपयोजना है, इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है। दोस्तों उत्पादन में वृद्धि करना है, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। कौन सा देश ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, बताइए? अमेरिका। दोस्तों अमेरिका, अब देखिए यूएस एक्सलेंस एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोग्राम जिसमें ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप शामिल है, दोस्तों इसके अंतर्गत आप देखें इसका नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। इसमें मेजबान देश के रूप में चिली के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। दोस्तों 2020 के डिकेडल सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा $1 बिलियन की इस परियोजना को मिशन क्रिटिकल का दर्जा दिया गया। दोस्तों मिशन क्रिटिकल का दर्जा दिया गया है। मिशन क्रिटिकल का दर्जा दिया गया दोस्तों, मिशन क्रिटिकल का दर्जा। अब देखिए यहां पे हेमी डैक्टाइलस ईसाई किस नई प्रजाति का नाम है दोस्तों, इस जिसे पश्चिमी घाट केरल में पहचाना गया? ये है दोस्तों छिपकली की प्रजाति, छिपकली, राइट? इसकी प्रजाति है दोस्तों छिपकली की। तो शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट केरल अटापट्टी की पहाड़ियों में से एक नई छिपकली की प्रजाति की पहचान की। हेमिडेक्टा इलस ईसाई नाम की एक नई प्रजाति जीनस हेमिडेक्टा इलस गोल्डफस से संबंधित है। इस छिपकली का आकार 105 मिलीमीटर है दोस्तों, और यह हल्के भूरे से भूरे रंग की है। दोस्तों भारत में जीनस हेमिडेक्टाइलस गोल्ड गोल्ड गोल्डफस के छिपकली की
48 प्रजातियां हैं दोस्तों, छिपकली की 48 प्रजातियां हैं। अब देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राजस्थान दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बाघों के आवास प्रबंधन के लिए लगभग 6 महीने पहले रिजर्व में कई उपाय शुरू किए गए दोस्तों। नतीजन वन्य जीव अभयारण्यों में बाघों की आबादी 25 हो गई। घास के मैदानों को भूमि के सूखे पैच में विकसित किया गया, जो जानवरों को खिलाने और प्रजनन करने में मदद करेगा। इस प्रकार बाघ की फीड में वृद्धि होगी। वन प्रशासन ने जंगल के भीतर 10 विविध आवासों में नए जल स्रोत बनाए हैं दोस्तों। 10 विविध आवासों में नए जल स्रोत बनाए हैं। अब देखिएगा, चलिए, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया दोस्तों, इम्पीचमेंट लगा दिया गया नेपाल के न्यायाधीश पर, मुख्य न्यायाधीश पर। देखिए, चोलेन्द्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्हें हाल ही में महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। वह 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्की को ने उनका पद संभाला है। लेकिन क्या कारण था? नेपाल की संसद ने 98 सांसदों के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। ये सांसद देश के कांग्रेस पार्टी, माओवादियों और एकीकृत समाजवादी पार्टी के हैं दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में विपक्षी दल की भूमिका में है। नेपाल में बार बार महाभियोग मुख्य रूप से राजनीतिक मतभेदों के कारण आ रहा है। देखा जाए, राजनीतिक मतभेद के कारण वहां की जो पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है दोस्तों। नेपाल की न्यायपालिका लंबे समय से राजनीतिक दलों के प्रभाव में है। महाभियोग पारित करने वाले 3 पक्ष अब तक विभाजित थे, लेकिन वे अचानक मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए एक साथ आ गए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है राजनीतिकरण बिल्कुल न्यायीकरण को बंधक बना लिया है। महाभियोग के बारे में नेपाल का संविधान क्या कहता है देखें तो, मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करने के लिए सदन की कुल संख्या का 25% वोट पर्याप्त है। और यह कमजोर मानदंड मुख्य न्यायाधीशों पर बार बार महाभियोग चलाने का मुख्य कारण है दोस्तों। 25%, आप सोचिए, 25% ये बहुत ही कम है। अन्य लोकतंत्रों में संसद की एक समिति बनाती है। यह मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज आरोप की जांच भी करती है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति देखें, उनकी नियुक्ति नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। वह नेपाल की न्यायिक शाखा के प्रमुख होते हैं। वह नेपाल की न्यायिक प्रणाली के भी मुख्य प्रशासक अधिकारी होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरह नेपाल के मुख्य न्यायाधीश को भी अपनी इच्छा के विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने का अधिकार है दोस्तों, आवंटित करने का अधिकार है। वहीं आप देखिए तो राणा जुड़े हुए विवाद, राणा से जुड़े हुए विवाद क्या है दोस्तों? 2021 में राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज हड़ताल पर चले गए। उनका कारण था कि केवल विशिष्ट पीठों को मामले आवंटित कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों को छोड़ रहे थे। इससे राणा ने मुकदमों के आवंटन की व्यवस्था बदल दी। उन्होंने यादृच्छिक रूप से मामलों को आवंटित करने के लिए लॉटरी प्रणाली लगा दी दोस्तों। इसके अलावा राणा पर भ्रष्टाचार, अदालत के कुप्रबंधन और सरकार से संबंधित सुनवाई में देरी आदि से आरोप भी लगने लगे। ये विवादित हो गए और राजनीतिक संगठनों ने अपनी एकता को दिखाते हुए इन पर महाभियोग लागू कर दिया दोस्तों। आप देखिए, बाबुस्का बटालियन क्या है? बाबुस्का बटालियन के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे। बाबुस्का बटालियन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। ये आप देखें,
रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन हाल ही में सुर्खियों में। दोस्तों बाबुस्का बटालियन बहुत लंबे वर्ड लिख जाते हैं कभी कभी, कांस्टे टिनोस्का और बाबुस्का बूढ़ी महिला की एक सेना 2014 में वहां संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से काम कर रही थी। उन्होंने खाई खोदी, जाल बनाए, आपूर्ति की, चिकित्सा देखभाल की, पेशकश की और एक लुकआउट टावर बनाया। दोस्तों ये दक्षिणपंथी आंदोलन आजूब द्वारा संगठित किया गया। दोस्तों यह दक्षिणपंथी आंदोलन आजूब द्वारा संगठित किया गया। दोस्तों आजूब आंदोलन है क्या? आजूब आंदोलन एक दक्षिणपंथी सर्व स्वयंसेवक इन्फेंट्री मिलिट्री यूनिट है। दोस्तों वे अतिवादी राष्ट्रवादी हैं जिन पर श्वेत वर्चस्ववादी और नवनाजी विचारधारा को आश्रय देने का आरोप है। दोस्तों यह क्यू में बेस्ट एंड एक राजनीतिक विंग है। वे 2019 के चुनाव में संसद में एक भी सीट जीतने में विफल रहे। हालांकि रूस समर्थित अलगाववादियों द्वारा 2014 में संक्षिप्त कब्जों से शहर को पुनः प्राप्त करने के बाद आजोब की सैन्य शाखा को अक्सर मारिपोल शहर में रक्षकों के रूप में देखा जाता है। दोस्तों अब देखें यहां पे आजोब पर प्रतिबंध। दोस्तों आजोब को 2019 में अभद्र भाषा के कारण फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कार्यक्रम को इंस्टाग्राम के माध्यम से विज्ञापित किया गया। रूस यूक्रेन संघर्ष। दोस्तों रूस ने मार्च और अप्रैल 2021 में यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के पास सैन्य कर्मियों और उपकरणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहीं वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे करने के बाद से सबसे अधिक सैन्य गतिविधियां मिली। दोस्तों सबसे अधिक सैन्य गतिविधियां प्राप्त हुई। सबसे अधिक सैन्य गतिविधियां प्राप्त हुई दोस्तों। रीड करें दोस्तों आप देखिए यहाँ पे अभी तो यूक्रेन का संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अब आप देखते हैं अच्छी तरीके से कि ये संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों इससे चिंताएं पैदा हुई और संभावित आक्रमण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। जून 2021 तक सैनिकों को आंशिक रूप से हटा दिया गया था। दिसंबर 2021 तक 1 लाख रूसी सैनिकों को फिर से सीमा के पास जमा कर दिया गया और यहां से तनाव बढ़ गया। दोस्तों कनाडा ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। दोस्तों कनाडा ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। अब देखिए यहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। पुलिस द्वारा हथियारों के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो संयुक्त राज्य के साथ सीमा को अवरुद्ध कर रहे थे, आपातकाल को लागू किया उनके लिए। और दोस्तों
कनाडा के इतिहास में यह केवल दूसरी बार जब शांति काल में ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया गया। शक्तियों का आवाहन इसलिए किया गया क्योंकि सैकड़ों ट्रकों ने अभी भी ओटावा की सड़कों को बंद कर रखा था। प्रधानमंत्री के आगे कहा, इस स्तर पर सेना की तैनाती नहीं की जाएगी। हालांकि अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने के अलावा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और नाकेबंदी हटाने के लिए उनके ट्रकों को जब्त करने की अधिक शक्तियां प्रदान की गई, अधिक शक्तियां यहां प्रदान की गई। तो सब देखें, आपातकालीन अधिनियम क्यों लागू किया गया दोस्तों? संघी सरकार ने नाकाबंदी और व्यवसायों को संबोधित करने के लिए प्रांतीय और केंद्रीय क्षमता के पूरक के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू किया दोस्तों। इमरजेंसी एक्ट आखिरी बार कब इस्तेमाल किया गया? 1970 के अक्टूबर संकट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के पिता थे दोस्तों, का आपातकालीन अधिनियम का प्रयोग किया गया था। वहीं चरमपंथी अलगाववादियों द्वारा एक ब्रिटिश व्यापार अताशे और एक क्यूबेक मंत्री पियरे लैपरेट के अपहरण के बाद सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सैनिकों को क्यूबेक भेज दिया गया। वहीं पे आप देखिए फ्यूडेक कन्वेज दोस्तों, ये क्या है? तो हाल ही में कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ दोस्तों। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कनाडा के ट्रक चालकों द्वारा शुरू किया गया, कनाडा के ट्रक चालकों द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए, दरअसल कनाडा की सरकार ने सीमा पार आवाजाही के लिए ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य कर दिया था। अब कनाडा में प्रवेश करते समय ट्रक चालकों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहां पर यह विवाद का कारण बन गया। अब इस वजह से आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण दबाव पड़ने लगा और ट्रक चालकों ने इसे बहुत पसंद नहीं किया, ट्रक चालकों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया दोस्तों। आप देखें, तो आप देखिए सरकार ने इस सरकार के इस निर्णय से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालक अपने ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा की ओर रवाना हो गए। कनाडा के ट्रक चालक इसे अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते थे। इस प्रदर्शनकारियों को देश विदेश के कई लोगों को समर्थन भी मिल गया और ट्रक चालकों ने इस आंदोलन को फ्रीडम कन्वे नाम दिया दोस्तों। हालांकि कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों का उपद्रव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और इनको बहुत ज्यादा हेल्प भी प्रदान की जा रही है दोस्तों। इंस्पायर सेट वन, ये क्या है दोस्तों? आप देखें यहां पे इंस्पायर सेट वन, देखिए तो ये उपग्रह के लॉन्च के लिए पहली बार इसरो के साथ शामिल हुए ताइवान के वैज्ञानिक दोस्तों।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इंस्पायर सेट वन नामक एक उपग्रह लॉन्च किया, जहां पे देखा जाए इंस्पायर सेट वन का विकास किसने किया दोस्तों, तो कहा जाए संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके विकास में कौन कौन से विश्वविद्यालय ने भाग लिया, आप देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलराडो, लेबोरेटरी फॉर ऑटोस्फेरिक स्पेस फिजिक्स दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने इसमें महत्वपूर्ण भाग लिया दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब है दोस्तों, यह उपग्रह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लेबोरेटरी ऑफ ऑटो स्फेरिक स्पेस फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 पर लॉन्च किया गया था दोस्तों। वहीं आप देखिए इंस्पायर सेट वन एक छात्र उपग्रह है दोस्तों। इस उपग्रह का मिशन जीवन एक वर्ष यह सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल की गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेगा दोस्तों। इसका वजन जो है 8.1 किलोग्राम है। कितना है? 8.1 किलोग्राम दोस्तों। यह उपग्रह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन नामक एक और अन्य उपग्रह भी लॉन्च किया गया। इसके साथ में भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का अग्रदूत रहा है। दोनों उपग्रह सूर्य के कोरोना के साथ पृथ्वी के आयन मंडल पर इसके प्रभाव की जानकारी करेंगे। इसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। यह वानिकी और वृक्षारोपण, कृषि, बाढ़ मानचित्रण और मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोग के लिए सभी मौसम की स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान की दोस्तों। कहा जाए INS-2TD एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। INS-2B उपग्रह का अग्रदूत है, जिसे भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। INS-2TD में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। यह भूमि की सतह के तापमान, पानी की सतह के तापमान, वनस्पति के परिसीमन का आकलन करेगा और INS-2TD का वजन 17.5 किलोग्राम है दोस्तों। वहीं आप देखें तो एक राडार इमेजिंग उपग्रह है, जिसे कृषि वानिकी, कृषि की नमी, बाढ़ मानचित्रण, वृक्षारोपण और जल विज्ञान की गुणवत्ता वाली छवि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों अभी बहुत ही चर्चा में रहा लासा फीवर दोस्तों। लासा फीवर क्या है, आप देखिए यूनाइटेड किंगडम ने लासा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई और लासा बुखार के मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देश की यात्रा से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। लासा वायरस का नाम नाइजीरिया के एक शहर के नाम पर रखा गया, जहां सबसे अधिक मामले सामने आए दोस्तों। इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर कम, लगभग 1%, हालांकि कुछ व्यक्तियों के लिए मृत्यु दर अधिक, जैसे गर्भवती महिलाओं की तीसरी तिमाही में मृत्यु दर की क्षमता काफी बढ़ी है दोस्तों। रोग की प्रकृति क्या है, तो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार लगभग 80% मामले स्पर्शोन्मुख हैं। इस प्रकार इसका निदान करना बेहद मुश्किल है। कुछ रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के में से 15% की मौत हो सकती है दोस्तों। लासा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया। यह 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। इस बीमारी का पता तब चला जब नाइजीरिया में 2 नर्सों की मौत हो गई। दोस्तों कैसे फैलती है बीमारी, लासा बुखार चूहों से फैलता है। एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जब वे चूहों द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों को के संपर्क में आता है। दुर्लभ मामलों में यह तब भी फैल सकता है जब कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति के संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ या आंख, नाक या मुंह जैसे श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से संपर्क में आ जाए। यह रोग कहां पाया गया, तो लासा बुखार मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया, सियरा लियोन, नाइजीरिया, गिनी जैसे क्षेत्रों में पाया गया। नाइजीरिया में यह स्थानिक है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों,
लासा बुखार के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 1 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। हल्के लक्षणों में थकान, हल्का बुखार, सिरदर्द, कमजोरी आदि शामिल है, और इसके गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे पर सूजन, पीठ, छाती और पेट में दर्द शामिल है। साथ साथ लक्षणों की शुरुआत के 2 सप्ताह में बहुत अंग विफलता के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, इससे जुड़ी सबसे आम जटिलता बहरापन है। सबसे आम जटिलता बहरापन है। बहुत ही दुख की बात दोस्तों, सुप्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। इन्हें गोल्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार गायक बप्पी लहरी का मुंबई में कल निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे दोस्तों। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के गणमान्य व्यक्तियों ने शोक जाहिर किया है। बप्पी लहरी ने भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस कड़ी में उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए। उनके बेहद लोकप्रिय गानों में चलते चलते मेरे ये गीत, याद रखना, मैं डिस्को डांसर हूँ, शराबी पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, यार बिना चैन कहाँ रे, बहुत ही मशहूर गाने हुए दोस्तों। बप्पी लहरी संगीतकार के साथ साथ गीतकार भी थे दोस्तों, एक गायक भी थे। बप्पी लहरी का वास्तविक नाम था अलोकेश लाहिड़ी। 27 नवंबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, कमांडो, सोलो, सोला और सबनम समेत कई फिल्मों में काम किया। संगीत के अलावा बप्पी लहरी राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े रहे। 2014 में वे भाजपा से जुड़े और श्रीरामपुर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, परंतु वे चुनाव में हार गए थे, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति काफी बेहतर रही दोस्तों। देखिए, अभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध असंवैधानिक, कर्नाटक उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध को इन्होंने जिसने जिसके द्वारा इन्होंने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस खंडपीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णदास दीक्षित ने किया दोस्तों। कृष्णा एस दीक्षित ने प्रतिवादियों को ऑनलाइन गेमिंग व्यापार व्यवसाय और याचिकाकर्ताओं की संबंध गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया गया था। कर्नाटक पुलिस विधेयक संशोधन दोस्तों, वहीं कानून में घुड़दौड़ को छोड़कर मौके के किसी भी खेल के संबंध में सभी प्रकार के सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह नीति कर्नाटक की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करेगी, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के हब के रूप में उभर रहा है। इस अधिनियम ने राज्य में सभी प्रकार के दांव, सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेमिंग के सभी प्रारूप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को गैर जमानती अपराध माना जाता था। इसमें 1,00,000 रुपये जुर्माना, 3 साल तक की कैद की सजा थी। मोबाइल प्रीमियर लीग दोस्तों कर्नाटक में अपना कारोबार रोकने वाली पहली कंपनियों में से एक है। पेटीएम फर्स्ट गेम को भी बंद कर दिया गया। फिर इस मामले को लेकर के कोर्ट में चुनौती दी गई और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने एक नए कानून पर सवाल उठाने के लिए अदालत का रुख किया। इसी तरीके के कानून को तमिलनाडु में भी चुनौती दी गई। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार का नया कानून कर्नाटक की छवि को स्टार्टअप हब के रूप में खराब करेगा दोस्तों। इससे राज्य के खजाने में भारी राजस्व घाटा हो सकता है। तो इन महत्वपूर्ण खबरों के साथ दोस्तों मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहा आज। देखिए, कुछ प्रश्न हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए हैकाथॉन पावर थॉन 2022 की नोडल एजेंसी कौन है दोस्तों? तो आप देखिए, इसकी नोडल एजेंसी है REC। दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेंट्रल मेडिकल एसेडिशन
गाइडेंस गाइडलाइन 2022 लॉन्च किया दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। कंछोट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। देखिए नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए यह धार्मिक कार्यक्रम है, या हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा में मनाया गया दोस्तों। लोग देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाते हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे गौरी तृतीया भी कहा जाता है दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम। आप देखिए यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किस संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है दोस्तों? इसरो दोस्तों, इसरो के। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ नवीनीकरण ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया? आसियान दोस्तों, आसियान, आसियान पे। तो चलिए आप देखिए, आप सभी के लिए स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी जुड़े, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए यहाँ पे मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सभी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए द हिंदू प्रैक्टिस सेट है, आप देखिए यहाँ पे यूपीएससी सीसेट प्रैक्टिस सेट है। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का दोस्तों। यूपीएससी सीएससी बैचेज आप सभी के लिए हैं। तो आप सभी देखिए यहाँ से 16 तारीख से बैचेज आप सभी के लिए स्टार्ट है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर आप सभी से मिलना होगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है दोस्तों 10:00।